सो ओके तर गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई इनफिनिक्स की जीरो सीरीज में आने वाले कोने ब्रांड न्यू बीस्ट स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, जो कि अगेन हो चुका है भाई इंडोनेशिया में लॉन्च। एंड हमारे इंडिया में भी ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है, बेसिकली इसकी सीरीज ही देखने को मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई इनफिनिक्स जीरो 4G इसी फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई इंडोनेशिया में इन्फिनिक्स की जीरो सीरीज में हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, भाई इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा 5G एंड इन्फिनिक्स जीरो 20 4G। अभी दोनों के दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा धांसू स्मार्टफोन निकल के आते हैं। इन्हें दोनों के दोनों स्मार्टफोन हमारे इंडिया में अब काफी जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। एंड हाँ, हमने इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा 5G की गेमिंग रिव्यू के बारे में ऑलरेडी चेकआउट किया, भाई बिल्कुल ट्रू फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन वो निकल के आता है। डेफिनेटली उसको वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा भाई ऊपर आई बटन पे। पर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई इन्फिनिक्स जीरो 20 इसी फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में। एंड बेसिकली देखा जाए तो ये जो स्मार्टफोन होने वाला है वो एक मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि आपको अंडर 50 से लेकर 20,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। भाई लिटरली इस प्राइस सेगमेंट के साथ में इन्फिनिक्स जो आपको इस फोन में स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देता है वो सीरियसली बहुत ही ज्यादा बीस्ट निकल के आती है। पर जो भी हो, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई इन्फिनिक्स जीरो 20 4G इसी फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में। उसी के साथ साथ हम इसके जायरोस्कोप एंड इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पबजी मोबाइल फिर BGMI में आपको ये बाय डिफॉल्ट में क्या ग्राफिक्स, क्या परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है, ओवरऑल क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं और किस प्राइस सेगमेंट के साथ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी कारण से भाई हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो भाई इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक। बाकी चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओ की तरह बात करते हैं भाई इन्फिनिक्स जीरो 20 के लुक एंड अपीयरेंस के बारे में। तो भाई सीरियसली जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो बिल्कुल ऑल द टाइम आपको प्रीमियम फील देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक पैनल में भाई स्क्वायर शेप में भाई दो बड़े सर्कल में दो कैमराज की हाउसिंग देखने को मिल जाएगी, प्लस वहाँ पे आपको एक और सर्कल में एक तीसरे कैमरे की हाउसिंग और LED फ्लैश भी देखने को मिलने वाला है। यानी कि टोटली यहाँ पे आपको बैक पैनल में तीन कैमराज की हाउसिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको इन्फिनिटी यू वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एक ही कैमरे की हाउसिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाई फ्लैट एजेस। एंड भाई आपको ये बिल्कुल टोटली आईफोन जैसी फील देने वाला है लुक एंड अपीयरेंस के मामले में। तो आपको लुक एंड अपीयरेंस के मामले में इन्फिनिक्स जीरो 20 4G ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी डिस्पॉइंट नहीं करता है, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ इस फोन में आपको इसका लुक एंड अपीयरेंस अच्छा देखने को नहीं मिलता भाई, इसमें आपको स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड जो परफॉर्मेंस भी देखने को मिलने वाली है वो भी बिल्कुल धांसू सी देखने को मिल जाएगी। पर जो भी हो, हम लोग यार इन्फिनिक्स जीरो 20 इस स्मार्टफोन के हम धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में तो इस वीडियो के लास्टली डिस्कस करने वाले, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, जान लेते कि भाई आखिर फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो इसी कारण से भाई हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं पबजी मोबाइल को, बेसिकली BGMI को। इन दोनों में ही यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में अल्ट्रा। जी आ गए, आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिलता है भाई स्मूथर अल्ट्रा। और वही बात करते हैं इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैलेंस में भी अल्ट्रा एंड HD में आप इस फोन में हाई ग्राफिक्स में गेमिंग कर पाओगे। यानी कि मिनिमम ग्राफिक्स में आप 40 FPS एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स में आप 30 FPS में गेमिंग कर पाओगे इन्फिनिक्स जीरो 20 इस फोन के साथ में। अब दिखा रही जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो एक मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है, लेकिन इसमें आपको जो ग्राफिक्स सेटिंग देखने को मिलती है वो जिस प्राइस सेगमेंट के साथ में देखने को मिलती है, तो ऐसा तो हम इसमें कोई भी मेजर कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं लगता है कि भाई यहाँ पे आपको स्मूथर HD यानी कि 60 FPS तो अनलॉक देखने को मिलना ही चाहिए था। बट हाँ, अदर स्पेसिफिकेशन इतने तगड़े देखने को मिलते हैं कि इसमें आपको जो ये ग्राफिक्स देखने को मिलती है उसमें भी हम ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको जो ग्राफिक्स सेटिंग देखने को मिलती है वो एक एवरेज ग्राफिक्स सेटिंग देखने को मिलती है, बट क्वेश्चन तो निकल के आता है कि इस फोन में आपको उस लाइक की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती भी है या नहीं। तो इसलिए अगर हम लोग बात करते हैं स्मूथर अल्ट्रा के गेम प्ले के बारे में के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूंगा इस फोन में आपको कोई भी लैग वाला इशू देखने को नहीं मिलता है, ना ही कोई ग्राफिक्स को लेके कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है और ना ही आप आपको कोई भी रेंडरिंग को लेके इशू देखने को मिलने वाला है। लेकिन वही बात करते भाई FPS की स्टेबिलिटी के बारे में, तो इस फोन में आपको काफी ज्यादा सॉलिड FPS की स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। TDM में जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो आपको ऑल द टाइम प्रॉपरली 38 लेके 40 FPS मेंटेन करके देने वाला है, कहीं भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा और सिमिलर केस आपको इरेंगल में भी देखने को मिल जाएगा।
कैमरा एंगल में भी जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी हद तक आपको 37, 38 और 4 DB को बहुत ही चिपक के मेंटेन करके देने वाला है। कहीं भी आपको मेजर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। बस एक आधी बार क्लोज कॉम्बैट में 36 FPS तक इसके FPS आ जाते हैं, बट ओवरऑल 98% तक जो स्मार्टफोन है वो 37 से लेकर 40 FPS काफ़ी इजिली मेंटेन कर पाता है भाई इन एंगल में। तो इन शॉर्ट लेकर मैं आपको बताऊँ तो टी डे मेरे एंगल में एक तरीके से आप ऑल द टाइम प्रॉपर कॉन्स्टेंट 4 DB में गेमिंग कर पाओगे इनफिनिक्स 020 इस फोन के साथ में। लेकिन बात करते हैं भाई एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, यानी कि सेनोक के बूट कैंप के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई वहाँ पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहाँ पे इंटेंस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। और इस टाइम पे तार बड़े बड़े फोन जो फ्रेम की फ्लक्चुएशन कर देते, तो भाई क्वेश्चन तो निकल के आएगा कि क्या इन्फिनिक्स 020 के ये स्मार्टफोन भी सेनोक के बूट कैंप में फ्रेम की फ्लक्चुएशन करेगा या नहीं। तो देखा था अगर आप इस फोन के अंदर सेनोक का बूट कैंप करोगे और जब आप प्ले से जंप करोगे तो उस टाइम पे तो वहाँ पे आपको 32-33 FPS तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा भाई जैसे ही आप प्ले से जंप करोगे तो। लेकिन अच्छी बात है कि वो पलक झपकते ही रिकवर भी होना स्टार्ट हो जाते हैं और लैंड करते करते इसके जो FPS है वो लिटरली 35 से लेकर 40 FPS के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और लैंड करने के बावजूद भी अगर आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और अगर आपको क्लोज रेंज में फाइट लेना पड़ रहा है भाई, तो भी उस इंटेंस भगदड़ में इनफिनिक्स 020 इसके जो FPS आपको ऑल द टाइम प्रॉपरली 37 से लेकर 40 के बीच में ही हॉवर करते दिखाई देने वाले भाई इवन सेनोक के बूट कैंप में। क्लोज कॉम्बैट में एक आधी बार के लिए इसके जो FPS 35-36 FPS तक आते हुए दिखाई देंगे, बट वो बहुत ज्यादा रेयरली ही होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्मार्टफोन 37 से लेकर 40 FPS काफी इजिली मेंटेन करके देने वाला है भाई। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको इवन सेनोक के बूट कैंप में भी ये प्रॉपर कॉन्स्टेंट 4 DB मेंटेन करके देने वाला है। एंड डेफिनेटली भाई 4 DB की गेमिंग के मामले में आपको इस फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, ऑल द टाइम प्रॉपर कॉन्स्टेंट 4 DB को मेंटेन कर पाता है। तो गेमिंग के मामले में स्पेशली इन 4 FPS बाय इनफिनिक्स 020 ये स्मार्टफोन बहुत ही धांसू स्मार्टफोन निकल के आता है। लेकिन बात करते हैं इस फोन के जायरोस्कोप इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में, तो देखा इस फोन में आपको देखने को मिलता है फिजिकल वाला जायरोस्कोप जिसमें आपको कोई भी डिले जग एंड जिटरनेस देखने को नहीं मिलता है। काफी स्मूथ एंड डिले फ्री आपको जायरोस्कोप देखने को मिलता है। तो भाई अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो आप इस फोन के साथ में फुल जायरो के साथ में गेमिंग कर पाओगे। एंड सरप्राइजिंगली यार इस फोन में आपको ज्यादा हीटिंग वाला इशू भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस फोन में इवन 1.5 घंटे की भी गेमिंग कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 40-41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है, 32 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो हीट मैनेजमेंट काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा एंड परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। लेकिन बात करते हैं कि भाई आखिर आपको इतने इंटरेस्टिंग लेवल की परफॉर्मेंस भाई किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली। तो गाइस बात करते भाई इनफिनिक्स 020 4G इस स्मार्टफोन के कुछ धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो यार अभी आप देख सकते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सो दैट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.7 इंचेस का एक 90Hz के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD+ AMOLED डिस्प्ले विद 240 की सैम्पलिंग रेट के साथ में। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD+ Flat AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले का साइज एंड डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी निकल के आती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में आपको इस फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। LPDDR4 RAM एंड UFS 2.2 ROM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड डुअल स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। जी गाइस, इस फोन में आपको डुअल स्टोरेज स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी विद 45W फास्ट चार्जर के साथ में। यहाँ पे आपको VC कूलिंग सिस्टम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा भाई। लेकिन बात करते हैं इस फोन के मोस्ट हाइलाइटेड पार्ट के बारे में, जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस इस फोन में आपको देखने को मिलता है भाई मीडियाटेक की तरफ से आने वाला एकदम ब्रांड नई चिपसेट, जो कि होने वाला है भाई मीडियाटेक का हीलियो G99। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको मीडियाटेक का G99 देखने को मिलता है, जो कि भाई 6nm पे बना हुआ चिपसेट है, डुअल 4GB चिपसेट है। एंड वैसे परफॉर्मेंस के मामले में ज्यादा उतना ज्यादा पावरफुल तो निकल के नहीं आता, बट ये काफी ज्यादा आपको स्टेबल परफॉर्मेंस निकल के देता है भाई। एंड ऊपर से 6nm होने के कारण भी ये काफी ज्यादा बैटरी इफिशियंट एंड हीट इफिशियंट भी निकल के आता है, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म की गेमिंग में इस फोन में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली भी, जितनी भी आपको ये परफॉर्मेंस निकल के देने वाला है। तो परफॉर्मेंस के मामले में भाई मीडियाटेक LG99 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिपसेट निकल के आता है अभी के टाइम के लिए, एंड काफी ज्यादा हीट इफिशियंट भी निकल के आता है। बाकी बात करते हैं इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो इंडोनेशिया में ये जो स्मार्टफोन है वो एक ही वेरिएंट के साथ में लॉन्च हुआ है, 8GB 256
जीबी जिसका एक्चुअल प्राइस तो 19,000 रुपए रखा गया है, बट अगर आप इसको ऑफर के चलते सेल में बाय करोगे तो आपको 18,000-18,500 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है। एंड डेफिनेटली भाई जब ये फोन हमारे इंडिया में आ जाएगा तो आपको भी 20,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में ही देखने को मिलने वाला है। देखिए अदर स्पेसिफिकेशन के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा धांसू स्मार्टफोन निकल के आता है, आप इसे डेफिनेटली कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हो। बट अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी निकल के आती भाई गेमिंग, तो उस कंडीशन के हिसाब से मैं तो इस फोन को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा भाई 20,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि हम सभी को बताया कि भाई 15,000-17,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में इससे बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं मार्केट में, जो कि आपको इससे बेटर गेमिंग तो प्रोवाइड करके देते हैं। बट अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो आपके लिए डेफिनेटली इन्फिनिक्स 020 एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप सभी को फोन कैसा लगा एंड क्या आप इस फोन को बाय करना पसंद करोगे या नहीं, मुझे आप एक कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। एंड हाँ, अब तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, आपको लिंक मिल जाएगा भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड बाकी अगर आपको इन्फिनिक्स 020 अल्ट्रा की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।